मैं राजवर्धन सिंह दत्तिगांव बदनौर विधानसभा क्षेत्र 202 जिलाधार से निर्वाचित विधायक हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से मर्जी से बैंगलोर में निजी कार्य से आया हूँ। मैंने अपनी स्वेच्छा से ही अपना विधानसभा से त्याग पत्र दिया है, जिसको स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने CRPF की सुरक्षा मांगी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर मध्य प्रदेश हम गए तो हमें वहाँ पे अध्यक्ष महोदय तक न पहुँचने दिया जाएगा और किसी न किसी प्रकार बहाना बना के हमें वहाँ पे बंधक बना लिया जाएगा। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार या परिजनों किसी के द्वारा भी किसी प्रकार की भी शिकायत अगर प्राप्त हो तो उसे अमान्य किया जाए और अतिशीघ्र न सिर्फ हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए और हमें अगर प्रत्यक्ष वहाँ आने की आवश्यकता है तो CRPF की सुरक्षा के बिना हम वहाँ पे आने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमें जान का खतरा है। मैं जतपाल सिंह जी मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 32 अशोकनगर से विधायक था, लेकिन मैंने पिछली 10 तारीख को अपनी स्वेच्छा से, चूँकि जिन वादा करके जो हम क्षेत्र में विधायक बना था तो मुझे लगा कि पिछले 1.25 साल में कि वो जनता की उन उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतर पा रहा, इसलिए मैं स्वेच्छा से मैंने पिछली 10 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश को अपना इस्तीफा स्वेच्छा से मैंने त्याग पत्र दिया है। किसी तरह का किसी का मुझे दबाव नहीं है। चूँकि मैं अभी बेंगलोर में हूँ तो मैं मध्य प्रदेश जाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय ने हमको बुलाया है उपस्थित हों के समक्ष पूछने के लिए, तो मैंने स्वेच्छा से दिया, लेकिन वहाँ जाने में मुझे ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसी भी बहाने से मुझे अरेस्ट कर सकती है, किसी तरह का मेरे परिवारजनों से दबाव बना के मेरी सुरक्षा के नाम पे कोई आवेदन ले सकती है और मुझे अपने प्रोटेक्शन में लेने के बहाने से किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकती। इसलिए मैंने गवर्नर साहब को ये आवेदन दिया है कि मुझे केंद्रीय रिजर्व पुलिस या केंद्रीय सुरक्षा किसी भी एजेंसी से सुरक्षा प्रदान कराई जाए ताकि मैं भोपाल जा सकूं, अपने घर जा सकूं। तो इसलिए मैं गवर्नर महोदय को मैंने ये आवेदन किया है। यादव विधानसभा क्षेत्र मंगौली क्षेत्र क्रमांक 34 जिला अशोकनगर से। मैं अभी कुछ दिन पूर्व अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है और अपनी स्वेच्छा से दिया है, किसी के दोष और दबाव में आकर नहीं दिया है। मैं अब वापस भोपाल और अपने क्षेत्र में जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने पत्र के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि मुझे CRPF या अन्य कोई भी एजेंसी से मेरी वहाँ पर सुरक्षा की जाए, क्यों तो वहाँ पुलिस पर मुझको भरोसा नहीं है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वापस जाने पर हो सकता है वहाँ की सरकार मेरे परिजनों पर दबाव बनाकर, रिश्तेदारों पर दबाव बनाकर कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा सकते हैं या शिकायत करवा सकते हैं, तो वो शिकायत झूठी और निराधार मानी जाए। और मेरा बस यही निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय से कि मुझे वहाँ सुरक्षा मुहैया